हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हजारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिए थे डिटेल में, उसका रेंज देख लिए थे, हर तरह की बातें हो गई थी पिछली बार ही। अब हम लोगों को, इससे पहले कि हम लोग प्रोडक्ट पढ़ें, एक दो कंडीशन देने के बाद भी है ना, एक दो कंडीशन दिया जाए, उसको उस पर पूछा जाए कि इसमें क्या चेंज है, क्या ऐसे, तो उसके बारे में भी आप बता पाएं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खुद ही बहुत पॉपुलर है, कई एग्जाम में, सारे एग्जाम में आ चुका है, तो जरा एक क्वेश्चन लिखिए। तो लिखो क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जल्दी से करिए इसको। चलिए मैं बता देता हूं, सभी लोग ध्यान से सुने और ये समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कर रहा हूं ना। इमेजिन करो दो वेक्टर यदि कोई कहता ना, इमेजिन करो, क्वेश्चन डिटेल सुनो, जिनका 90 डिग्री आ गया है वो भी सुनो, अपने तेवर में कभी मत रहना ना, क्योंकि कैसे आता है और कितना जानते हैं हमें पता है, इसलिए ठीक है आंसर आ गया है लेकिन सुनो। इमेजिन करो कि हम कहे होते कि दो वेक्टर का सम यदि उनके डिफरेंस के बराबर हो, मैग्नीट्यूड नहीं कहता ना, यदि मैं मैग्नीट्यूड नहीं कहता, कई बार जल्दी जल्दी में किताबों में क्वेश्चन बनाने में छूट जाता है, एग्जाम में बनाने में छूट जाता है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सही में क्या छूटा है आज मैं बताने वाला हूँ और देखोगे आज आप, फिलहाल डिस्कशन में सुनो। यदि मैग्नीट्यूड नहीं कहा जाता, कहा जाता कि दो वेक्टर का सम उनके डिफरेंस के बराबर है, तो इसको सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व कर दे तो ये कैंसिल हो जाता और आ जाता 2b बराबर, इसको इधर लेके आते 2b बराबर 0, तो आपको मिलता कि दोनों में से एक नल वेक्टर है। एक तो ये, मेरी बात समझ में आ रही है, यदि दो वेक्टर का सम उनके डिफरेंस के बराबर, यदि ये बात कही गई होती, मैग्नीट्यूड छूट जाता तो रिजल्ट आता कि एंगल नहीं पाया जा सकता और उसमें एक वेक्टर नल वेक्टर है, मस्ट है, ये रिजल्ट आता। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दो वेक्टर, मैं डिस्कशन कर रहा हूं, सोल्यूशन नहीं देता। सोल्यूशन देना होता तो ठीक है यार, तो वेक्टर दो तीन क्लास का है, फार्मूला वार्मूला बता देता और फिर अपना करते। डिटेल सुनो, माना उनका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है, याद करो पढ़ा चुका हूं ये, माना उनके बीच का एंगल थीटा है, स्मॉल ए स्मॉल बी इनके, उनके मैग उनका मैग्नीट्यूड है, उनके बीच का एंगल थीटा।
थीटा है, स्क्वायर बोथ साइड। देखो ठीक लिखा हूं, ये देखो स्क्वायर बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब कैंसिल आउट, इधर लेके आना तुम्हें 4AB cos थीटा बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, तुम्हें 4AB cos थीटा बराबर 0 मिलेगा। फिर देखो आखिर क्वेश्चन भले ही यहां पे गलत ना हुआ हो पर जो मैं लिखवाया हूं एग्जाम में आया हुआ, जो पेपर सेट किए हैं, जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, यहाँ पे गलती कर गए हैं, जो कि मैं जानबूझ के वही वाला दिया भी हूँ जिसमें मेरे भी क्वेश्चन में गलती है क्योंकि मैं एग्जाम वाला ही लिखवाया हूँ। किताबों में भी देखोगे यही लिखा हुआ है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सच ये है कि इसका आंसर है एंगल कुछ भी पॉसिबल है, 60 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 15 डिग्री 90 डिग्री आंसर नहीं है, एनी डिग्रीज पॉसिबल है अभी भी। देखो कैसे, ये है तो ये है तो ये है तो ये है, और ये जीरो का मतलब है ए भी जीरो तो भी जीरो हो जाएगा, बी जीरो तो भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो तो भी जीरो हो जाएगा, और दोनों जीरो नहीं तो भी जीरो हो जाएगा थीटा यदि 90 डिग्री हुआ तो। इसका मतलब इफ ए नॉट जीरो एंड बी नॉट जीरो देन कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो क्वेश्चन तो अच्छा तभी था यदि हमको बनाना होता, यदि हमको क्वेश्चन फ्रेम करना होता बनाना होता तो मैं क्या बनाता, जरा सुनो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तब ये मस्ट है कि 90 डिग्री ही होता। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैं इसलिए इतना क्लैरिफाई करता हूं ताकि तुम चीजों को समझ सको, तुम चीजों को समझ सको। ठीक है, अब रही बात कि मैं टेस्ट में दिया था या एग्जाम में आएगा और नॉन जीरो नहीं लिखा रहेगा तो क्या माना जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ देखो तो यदि मान लो एक जीरो वेक्टर है तो 30 डिग्री रहे चाहे 15 डिग्री रहे चाहे 60 डिग्री चाहे 90 डिग्री चाहे 120 डिग्री, यदि एक जीरो वेक्टर है ना तो ये जीरो ही होगा और इसका मतलब ये दोनों बराबर ही होगा। एक तो पहले ये बात आई। दूसरी बात, यदि आपकी शिकायत है कि सर आप भी तो दिए थे एग्जाम में टेस्ट में तो हम लोग तो वही करते हैं जो एग्जाम में होने वाला होता है ना, तो आपके लिए एडवाइस है। अब मेरी तरह पेपर सेटर तो होते नहीं, तो आपको उसी तरह का एग्जाम और टेस्ट पेपर बनाना पड़ता है जैसा वो लोग देते हैं। मेरी तरह करेक्ट करके तो होगा नहीं बात, इतना डिटेल की बात तो कहीं नहीं होती है जितना मैं आपसे डिटेल में बात करता हूं, किसी भी किताब में उठा के देख लो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉन जीरो ही मानते, मतलब नॉन जीरो वेक्टर नहीं लिखा है तो भी हम लोग इन दोनों को जीरो नहीं मानेंगे और 90 डिग्री ही टिक करेंगे। क्लियर? बोलो बोलो। फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि कई जगह अजम्पशन के तौर पे, अजम्पशन मतलब ये मान के चलते हैं कि आप अपने से मान लेंगे
या फिर उनसे गलतियां भी हो जा रही हैं तो आप सुधार लेंगे और एक कर लेंगे कि भाई नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। चलिए, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात आपको पता है, दूसरी बात कि इसके बारे में मैं पिछले क्लास में इस तरह का डिस्कशन हो चुका है, तो कहिए तो अभी भी फोटो बना के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो बना के लिख देता हूं, लीजिए। फोटो के नाम पे यार आप याद करो, पिछले क्लास में फोटो की बात हो रही थी। ई पहले बताओ, ए ग्राफिकल सोल्यूशन देखो इसका, तुम्हें पता है यहीं से ये और यहीं से ये, यदि ये ए और बी हो तो कहा जा रहा है ये सम होता है ये डिफरेंस, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो 90 डिग्री रहेगा तभी ना ये सेम होता है, कि कोई और केस होता है हम तो हमको बताओ। ऐसा पैरेललोग्राम बताओ जिसका डायगोनल दोनों बराबर हो, कोई पैरेललोग्राम हमको बताओ 90 डिग्री के अलावा, तो हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब ये ग्राफिकल सोल्यूशन है, 90 डिग्री ही होगा। अब कहो तो केस बना दे यार, मैं तो कहता हूं कि केस ऐसे देख लो, यदि ऐसे हो और कहा जाए ऐसे देखो, मान लो थीटा हो ऐसे ना, ऐसे तो क्या कहा जाएगा, थीटा यदि 0 से 90 डिग्री हो तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, ठीक लिखा हूं देखो, तो यदि ए और बी हो तुम्हें पता है कि ये सम होता है ये डिफरेंस ये थीटा, यदि 90 डिग्री हो तो ए प्लस बी, नॉन जीरो मान के चल रहा हूं मैं, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और यदि ए और बी पैरेललोग्राम बनाने आता ही होगा, इसका पैरेललोग्राम कई बच्चे तो बना ही नहीं पाते, अरे इसके पैरेलल ऐसे खींचना होता है भाई, अब फिर ऐसे खींचना होता है, ये सम होता है और डिफरेंस होता है, यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 या उससे छोटा हो तो a माइनस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड छोटा होगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से, जल्दी से लिख लो। तो और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बताया हूं जो मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। हां ये है कि थोड़ा बढ़िया अब आपको लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा कि अच्छा हाँ ये तो वही बात है। और ये देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, कि यदि आप पढ़े नहीं होते तो ये देखिए कितना डरावना है। नहीं मैच द कॉलम हो, आईटी वालों के लिए खासकर मैचिंग मैट्रिक्स हो, मोर देन वन करेक्ट हो, अलग अलग स्टेटमेंट हो, और पीएमटी वाले के लिए तो सिंगल करेक्ट होता है, तो कहीं ये लिखा हो तो कितना डरावना हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको एक बड़ा मैसेज देना चाहता हूं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि कहीं पे कोई चीज लिखी हो और कठिन लगे तो बस कठिन इसीलिए होती है क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। अब मान लो ये नहीं जान रहे होते तो ये कितना खतरनाक एक्सप्रेशन है, जरा देख लो खुद ही ना, फोटो देख लो, फोटो ये मैचिंग। लेकिन हमें लगता है कि जब पढ़ा दिया हूं आपको समझा दिया हूं तो चीजें आसान होंगी। ठीक है,
तो हमें लगता है कि आप लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे और जल्दी से एक क्वेश्चन और फटाक से क्वेश्चन लिखिए एक ठो। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल, लिखिए अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल या डी, कुछ भी, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल, ये एल, हाँ ये भाई, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एल इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल, अबाउट इट्स टेल, ये जो अबाउट इट्स टेल कह रहा हूं ये छोड़ भी सकता था, बस रोटेटेड बाय एंगल थीटा यही काफी था। चलिए सभी लोग देखें ना, ये देखिए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, इसको रोटेट कर दिया गया, और ये ए डैश हो गया, नहीं ए फाइनल हो गया, या यूं कह लेते हैं कि ए के नाम पे इसे ए इनिशियल कह देते हैं और इसे ए फाइनल कह देते हैं। अब हमको बताओ लेंथ एल एल है ना, आप हमको बताओ क्या इनिशियल आई और फाइनल आई दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, देखो ऐसे इसकी बात हो रही है कि एक वेक्टर है जिसको थीटा रोटेट कर दिया गया, तो जब डायरेक्शन अलग हो गया तो किस बात का, हाँ मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या कहा जा रहा है, एक बड़ा संदेश है। देखो मेरे हर क्लास में बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि मेरे क्लास में मैं कितना कवर किया, कोर्स कितना कवर किया या कितना क्वेश्चन करवाया, मेरे क्लास में कभी भी ये मत सोचना नहीं बेकार है मेरा पढ़ाना, बहुत मुश्किल से ये अचीव किया हूँ जो मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं भी कभी बहुत तेज पढ़ाया करता था और हमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ना, बच्चों के लिए ये सहूलियत ज़रूर होता है कि जल्दी से कोर्स ख़त्म होता है लेकिन वो अच्छा नहीं करते हैं। तो मैं ये जो यहाँ तक पहुँचा हूँ इतना एक्सप्लेनेशन के साथ में और इतनी जो बारीकियाँ हैं कि बच्चे इंजॉय करें, ये आसानी से नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि एक बड़ा मैसेज है कि जो कहा है उसे हम देखेंगे। कहा जा रहा है कि वेक्टर में जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। अब ये जो बात हो रही है चेंज का मैग्नीट्यूड, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये जो बात हो रही है चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में ये होता है, ये तो हर जगह होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, वो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे स्केलर क्वांटिटी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो। आप सुने होंगे घर पे कोई आता है तो कहते हैं कि अरे तुम बहुत बदल गए हो, तो आप कहते हैं इन व्हाट सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, तो मैग्नीट्यूड इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डिफाइन टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग लाइक कैरेक्टर, हैप्पीनेस, एक्सप्रेशंस, है ना, इन दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यू कैन नॉट मेजर द चेंज, बट देर इज चेंज। सो हाँ ये
ये तो हर जगह फाइनल माइनस इनिशियल फार्मूला मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट मैग्नीट्यूड इनका अपना अपना अंडर रूट ए स्क्वायर, देखो बोल रहा हूं ये लिख रहा हूं एल, क्योंकि घुमाने पे ऐसे रोटेट करने से लेंथ नहीं बदलता, केवल रोटेट ही करना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस टू ए बी कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम। तुम लोग इसको सॉल्व करना सभी लोग, और आएगा 2l साइन थीटा बाय 2। तो आप लोगों को समझ में आया ये? हाँ, मैं केवल सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हम अप्रोच कैसे करें। जो कहा गया था वो लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, जो नहीं मानने रहते हैं तो मानना पड़ता है, फिर ये लिखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीका को फॉलो करेंगे, और जब आप ऐसे करते हैं ना तो पता है ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है किसी भी कठिन क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके एप्लीकेशन के लिए ब्रेन अप्लाई करता है। यू आर अ पार्ट ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज एंड यू हैव टू शो इट, यू हैव टू प्रूव इट बाई डूइंग दिस। आपको ये एनीवे सो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि मैं इसके अब बात करूं ग्राफिकल एनालिसिस का, तो चलिए याद दिला देता हूं, देख लीजिए, याद करिए ग्राफिकल एनालिसिस। ये देखिए, आपको पता होगा कि ये भी ये ए है तो ये भी ए है, याद होगा आप लोगों को। यदि ये बी है तो ये भी बी है, याद होगा। ए डैश है, ये फाइनल है तो ये फाइनल है। इन दोनों वेक्टर का जोड़ ये है। जोड़ जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं और एंगल थीटा होता है, तो जहां से दोनों वेक्टर दिखते हैं, रिप्रेजेंटेड होते हैं, वहीं से जो डायगोनल होता है वो दोनों का सम होता है और कॉस थीटा बाय 2 होता है, याद करो। और जो ये वाला लाइन होता है, ये दोनों वेक्टर का डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। और इसका लेंथ कितना होता है? 2l साइन थीटा बाय 2 होता है। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जोड़ में कॉस होता है 2l कॉस थीटा बाय 2, और उनका डिफरेंस में 2l साइन थीटा बाय 2 होता है 2l साइन थीटा बाय 2। याद कैसे करोगे? हमें याद है कि मैं भूल जाता था, हमें 2 याद रहता था, l याद रहता था, ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इधर उधर हो जाता था, हमको याद ही नहीं आता था कि क्या होगा। तो याद करो, मैं तुम लोगों को याद करना सिखाया था, मैं कहा था कि ये बीचों बीच जो होता है एंगल बाई सेक्टर के लॉन्ग, यही एडिशन होता है ना, जोड़ होता है। और कहा था कि इसको इधर कंपोनेंट तोड़ोगे, इसको इधर तोड़ोगे, आपको पता ही है कि ये थीटा बाई 2 एंगल बाई सेक्टर के अलॉन्ग होता है। तो बताओ, इसको इधर तोड़ोगे तो एल कॉस थीटा बाई 2 आएगा, इसको भी इधर तोड़ोगे तो एल कॉस थीटा बाई 2 आएगा, तो 2l कॉस थीटा बाई 2 यही होगा, जोड़ वाला होगा, तो दूसरा वाला साइन हो जाएगा। या नहीं, याद करने के लिए बताया तो था, मैं याद करने के लिए कि डिफरेंस में कॉस होता है कि सम में कॉस होता है, ये मैं हमें याद ही नहीं रहता था। मैं बहुत सारी चीजें रटने की कोशिश करता था ताकि मैं अपने कैलकुलेशन को और चीजों को फास्ट कर सकूं, लेकिन अफसोस कि मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं पढ़ाने के दौरान देखा कि बहुत सारे बच्चे समझते भी बहुत तेज हैं, मेहनत भी करते हैं और याद भी रखते हैं, तो हमें इस बात का अफसोस रहता है कि मैं उतना चीज़ें मेमोराइज नहीं कर पाता था। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे एक खासियत मेरी थी कि मैं बहुत जल्दी से चीज़ें डिराइव कर लेता था, इतना डीपली उसको पढ़ता था,
पता नहीं, याद नहीं रहता था, ये थोड़ी दिक्कत थी हमको, लेकिन इसका फायदा हमको मिला कि मैं चीजों को बहुत कीन ऑब्जर्व करता था, कीनली ऑब्जर्व करता था, कीन ऑब्जर्वर था, तो इसका फायदा मिला। और यही रीज़न है कि मैं आईआईटी क्वालिफाई भी किया, और भले ही कैलकुलेशन उतना अच्छा ना हो और थोड़ा टाइम लग जाता हो बिना मेमोराइज किए हुए, तो एनीवे तो हमको लगता है कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे और इसको अप्लाई करेंगे आप। अब जल्दी से हम लोग कुछ बातें, आज अंतिम बात, कुछ नई नई टाइप की बात कर लेते हैं, तो आज ख़त्म किया जाए, फिर उसके बाद हम लोग अब प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे प्रोडक्ट वगैरह पढ़ के जल्दी से ख़त्म किया जाए वेक्टर। तो जल्दी से चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो फॉर गिवेन सेट ऑफ, गिवेन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कॉमा एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। हाँ, कंडीशन देख लीजिए। पहला कंडीशन देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो एंड ए बराबर बी बराबर सी। दूसरा कंडीशन, एंड वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। तीसरा कंडीशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी एंड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड बराबर वेक्टर सी का स्क्वायर। चौथा कंडीशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी एंड मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बाय रूट टू। पांचवा कंडीशन, ए बी प्लस सी बराबर जीरो एंड मॉड ए बराबर फोर मॉड बी बराबर एट एंड मॉड सी बराबर टेन। चलिए ये जो कंडीशन है, मैं आपको पांच कंडीशन दे दिया हूं। वैसे कितने कंडीशन बना सकता हूं? हजारों कंडीशन, और किताबों में मिल जाएगा। हमें ये देखना है कि क्या हम लोग चीजों को समझ पाते हैं। वैसे सच ये है कि ये थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा है, पीएमटी वालों के लिए थोड़ा अजीब सा भी हो जाएगा, लेकिन घबराना मत, ध्यान रखना पीएमटी वालों, नीट वालों, जिस दिन ये सोचने लगोगे ना कि मैथ्स टाइप की चीज क्यों पढ़ें, फिजिक्स तुम्हारी कमजोर हो जाएगी, ये मत करना, है ना? तो बहुत जरूरी है, तो पढ़िए ये। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का बिल्कुल टफ पार्ट पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स का वो पार्ट पढ़ा रहा हूं जितना हमें ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, फिजिक्स में यूज के लिए, कहीं पे सोचने के लिए जरूरी है, है ना? चलिए जल्दी से इसको करिए। एक पहले वाले पार्ट को उठाइए और फटाक से करिए, जल्दी से फोकस करो मेरी बात पे। तो
अक्सर मैं ट्राई करूंगा और आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि मैं एक सोल्यूशन बताऊं तो भी एज बीइंग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अपने आप को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी न माने, मेरा पढ़ाना बेकार है। यदि मैं एक सोल्यूशन बताऊं और मैं कहूं कि यही एक सोल्यूशन है तो भी आप दूसरे सोल्यूशन के लिए लगातार लगे रहिए, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं। एनीवे, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हमको गलत साबित करें, कहें कि सर एक ही नहीं एक और है, तो मैं फिर आगे से फिर पढ़ाऊंगा तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि हाँ भाई एक मेरे ही बच्चे बताए हैं कि सर ये सोल्यूशन एक और है, मैं आपका नाम भी लूंगा, मतलब आप बताएंगे तो। हाँ, तो जब ये कंडीशन है तो इसी तरह का ये सब भी है, सोचने में तो ऐसे ही है, नया क्या है। हाँ, कुछ अलग अलग टाइप का कंडीशन लग रहा है, हाँ इसमें कुछ नया लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, इस पे ख्याल रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है ना। ये वाला तो लग रहा है जैसे पॉलीगन टाइप का, कि मुड़ मुड़ के ऐसे, ये तो दो का रिजल्ट है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है इस टाइप का। तो काम करते हैं, इसको देखते हैं, ये वाला बाद में देखेंगे ना, ये वाला बाद में देखेंगे, फिलहाल इन तीनों की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना ना, मैं पहले इसकी बात कर रहा था, पहले वाले की। एनीवे, सभी लोग ध्यान सुनेंगे, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, एक छोटा सा सोल्यूशन आ रहा है। पहले तो मैं ये देख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, इसका मतलब तीन वेक्टर है a, मेरे दिमाग में ऐसा रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी, भाई मैं a प्लस बी प्लस सी ऐसे मुड़ के यहां पे आऊंगा तभी तो नेट जीरो होगा यार। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं कितने तरीके से इस तरह का ट्राइंगल बना सकता हूं, ऐसे चला फिर लौट के आ गया, ऐसे चला, ये देखो, मैं कितने तरीके से ऐसे दिखा सकता हूं, ए चला बी चला फिर लौट के आ गया, ताकि ये सही साबित हो जाए। कितने तरीके से? इनफाइनाइट तरीके से। कि इमेजिन करो ये कंडीशन नहीं रहता, इमेजिन करो कि ये कंडीशन नहीं रहता, केवल यही रहता तो कितनी संभावनाएं हैं, सब सब सही है, और आप एंगल बताने में सक्षम नहीं होते, आप नहीं बता पाते कि एंगल क्या है, स्पेसिफिक एंगल, क्योंकि सब सही होता। लेकिन कहा जा रहा है ये तो है ही, ये भी है, इसका मतलब तीन वेक्टर को जाके लौट के क्लोज लूप तो बनाओ, पर ऐसा बनाओ कि तीनों का लेंथ सेम हो। क्लोज लूप तो बनाओ पर ऐसा बनाओ कि तीनों का लेंथ सेम हो। क्या ये तीनों का लेंथ सेम है? कैंसिल। क्या ये तीनों का लेंथ सेम है? कैंसिल। क्या ये तीनों का लेंथ सेम है? कैंसिल। क्या ये तीनों का लेंथ सेम है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये तीनों का लेंथ सेम है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ सेम है, इसीलिए ये जो बात हो रही है ना, ये जो बात हो रही है, कैंसिल। दोनों को लेंगे, एक लेंगे तो सही है, पर ये सही नहीं है, कैंसिल। समझ में आ रहा है? केवल यही है। और यदि ऐसा है
तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों मिला के 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री है, पर ये 60 डिग्री देख के बताने से सही तो होगा नहीं, क्योंकि तुम जो 60 देख लिए वही एंगल तो होता नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि ये ए है, पहले तो इसको मिटा देता हूं, हमें देखना पड़ेगा कि जो ये 60-60 सोच रहे हैं, क्या ये एंगल है भी कि बस ऐसे ही 60-60। बताओ ये ए है और ये बी है, तो क्या ये एंगल होता है ए और बी के बीच में? अरे इसको आगे शिफ्ट करना पड़ता है भाई, इसको आगे शिफ्ट करना पड़ता है, इसको आगे कहना पड़ता है ये ए है, ये ए है और ये बी है। यदि ये 60 है तो ये कितना है? 120 है। उसी तरह ये बी है, ये सी है, तो 120 है। ये सी है और ये ए है, ये एंगल बताना था 120 है। अब ठीक लग रहा है? तुम लोगों को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ाया हूं कि नहीं? क्या 60-60 दिख गया बस वही आंसर होता है क्या? नहीं। क्या टेल हेड मिला रहता है तो एंगल देखते हैं क्या? नहीं। शिफ्ट करना पड़ता है, टेल टेल मिलाना होता है, टेल टेल, तब जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से फटाक से लिख लो, आंसर है क्या? आंसर है भैये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। सभी लोग लिख लें। अब रही बात दूसरी संभावना की, मान लीजिए हम लोग ऐसे नहीं सोच पाए, ऐसे 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 कुल फलाना ढिमकाना चिनाना कुल नहीं सोच पाए, जो जो ग्राफिकली सोचना था, इमेजिन करना था, एक रफ डायग्राम खींचना था और समझना था, मान लीजिए नहीं कर पाए। मैथ्स वाले क्या करते हैं, चाहे कैसे सोचते हैं वो सुनो, कहते हैं कि भाई हमारे पास तो फार्मूला है। दूसरा सलूशन देखो ध्यान से, सभी लोग मेरी बातों पे गौर करें और समझने की कोशिश करें, एक एक लोग समझने की कोशिश करें। मैं कैसे सोच रहा हूं भाई, मैं ऐसे सोचूंगा कि जब हमसे कहा जा रहा है कि दो वेक्टर के बीच में, ए और बी के बीच में थीटा बताइए, तो भाई कोई फार्मूला होगा वो लगाऊंगा तभी तो आएगा थीटा। भाई कोई फार्मूला होगा उसमें थीटा होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा, उसको सॉल्व करूंगा तो आएगा। तो क्या ऐसे कहीं पढ़े हो ऐसा कोई फार्मूला? नहीं पढ़े हो, पर ऐसा जरूर पढ़े होगे, बोलो ऐसा जरूर पढ़े होगे कि दो वेक्टर है तो मॉड ले लेंगे तो उसका फार्मूला पढ़े होगे, बोलो। मेरी बात समझो, रटना नहीं है, किताब उताब सलूशन या ऐसे नहीं, तुम लोग पता नहीं कैसे किए हुए हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरी बात सुन लो ताकि ब्रेन को ट्रेनिंग मिले, कहीं और तुम्हारा ब्रेन चले, एग्जाम में चले, और आईटी पीएमटी और जो भी तुम चाहो, नासा इसरो डीआरडीओ एमआईटी हर जगह जाओ, अपना परचम लहराओ, झंडा गाड़ो। ये इतनी आसानी से नहीं होता, आईटी वाले भी नहीं जा रहे हैं एमआईटी, ठीक है, आसानी से क्यों जानते हो? क्योंकि आईटी वाला भी एक तरीके से थोड़ा एक पैटर्न कैसा बन गया है, डीपीपी रटवाना पिटवाना और ऐसे करना, और ऊपर से आईटी में भी जाके लेजी हो जा रहे हैं। ध्यान से सुन लो, हाँ ये है, बताओ एक तरफ रहेगा तो क्या फार्मूला घंटा लगा लोगे? ऐसे लगेगा। अब हम लोग कह देते हैं कि ऐसा है भाई कि ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेट मैग्नीट्यूड इज एक्स सबका। अब भाई मानोगे तभी तो लिखोगे। और एक और चीज, मॉड लगाना सीखो ना,
मॉड लगाना सीखो। कई लोग तो इस बिना मॉड लगाए फार्मूला लगा देते हैं, ये देखिए क्या इसका फार्मूला तुम्हारे पास है? इसका भी फार्मूला नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, तुम्हारे पास इसका फार्मूला है कि इसका फार्मूला है? कई लोग तो यही नहीं जानते हैं। मैं कहूंगा कि बताओ a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का फार्मूला बताओ, तो खटाक से कहते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यही घंटा पढ़े हो। मैं कहूंगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का फार्मूला बताओ, तब तुम ना वो बताओगे। तो इस तरह से नहीं रटना है। हाँ आगे बढ़ता हूं, जल्दी से बताओ। ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो एक समान आ गया है, दोनों का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और कहो कि ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है जो पाना है। कहो ये, कहो लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, लिखो कहीं पे रिप्रेजेंटेशन में। और दूसरा सुनो, जितना सी का मैग्नीट्यूड होता है ना उतना ही माइनस सी का भी होता है। दूसरी बात, जितना सी का मैग्नीट्यूड होता है ना उतना ही माइनस सी का भी होता है। इसीलिए इसको अच्छा माइनस मत लिख देना, एक्स सॉल्व इट, स्क्वायर बोथ साइड, सॉल्व इट, कॉस थीटा मिलेगा तुम्हें माइनस वन बाई टू एंड थीटा इज 120 डिग्री। तो जो हम लोग फोटो बना के फटाक से कर चुके हैं वो इतना एक्स मानना, इधर करना, मॉड लेना, फार्मूला लगाना, कैलकुलेट करना और तब आना, ये थोड़ा लंबा हो गया पर आया, और वही आया। दूसरे तरह का सलूशन है ये। अच्छा अब कोई कहेगा नहीं, ए और बी के बीच का एंगल आ गया, बी और सी के बीच का एंगल बताओ, तो बी और सी को इधर ही रहने देना और ए को इधर लेके चले आना। बी और सी इधर ही रहने देना, ए इधर, मॉड लेना, फिर 120 डिग्री आएगा। कोई कहेगा नहीं ए और सी के बीच का बताओ, तो बी को इधर लेके आना, बी इधर रहेगा, मॉड लेना, यही लिखोगे और रिजल्ट 120 आएगा। और इससे तुम्हें अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से चीजें कैलकुलेट करके, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके, फार्मूला लगा के भी आती हैं। बोलो तो क्या तुम ये वाला और ये वाला सब अपने से करोगे? बोलो ये सब तुम अपने से कर पाओगे? हर एक के लिए हमारे पास कितने तरह के सलूशन? दो। कौन कौन सा? हम लोग फोटो बना के सोचें, फटाक से आंसर आएगा, चुटकी में आंसर आएगा। और नहीं तो क्या इसे मैथमेटिकली नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं और तभी आंसर आएगा। तो हर एक को हमें फोकस मत रखो, बहुत सारे टीचर्स तो यही कहते हैं फोकस रखो आईटी। ठीक है यार, फोकस आईटी पीएमटी ठीक है, फोकस रखेंगे। नॉलेज को प्रायोरिटी दो। सेकेंड पे रखो अपना गोल जो सेट किए हो, उसको पहले पे मत रख दो, हमें बहुत दुख होगा। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, अगले क्लास में सब करके आइएगा और दो दो तरीके से करिएगा। घर पे बैठ के खूब खींचिए खाचिए, सोचिए कि कितनी संभावनाएं हैं, और दोनों तरीके से मैथमेटिकली भी करिए और ग्राफिकली फोटो बना के भी करिए। अगले क्लास में मैं इसको बताता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा डायमेंशन के बारे में समझेंगे और 3D वेक्टर के बारे में, ताकि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ सकें। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।